प्रिय दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी दूसरी नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इस वीडियो में अंग्रेजी के उपसर्ग की जानकारी दी जा रही है। अंग्रेजी के उपसर्ग, नंबर एक, हाफ उपसर्ग। हाफ का अर्थ होता है आधा। उदाहरण, जैसे हाफ पैंट, हाफ बॉडी, हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ कमीज आदि। नंबर दो, सब उपसर्ग। सब का अर्थ होता है अधीन, नीचे। उदाहरण, जैसे सब पोस्टर, सब इंस्पेक्टर, सब जज, सब कमेटी, सब रजिस्टर आदि। नंबर तीन, उपसर्ग, चीफ उपसर्ग। चीफ का अर्थ होता है प्रमुख। उदाहरण, जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी आदि। नंबर चार, जनरल उपसर्ग। जनरल का अर्थ होता है प्रधान, सामान्य। उदाहरण, जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल इंश्योरेंस आदि। नंबर पांच, हेड उपसर्ग। हेड का अर्थ होता है मुख्य। उदाहरण, जैसे हेड मुंशी, हेड पंडित, हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस, हेड कांस्टेबल आदि। नंबर छह, डिप्टी उपसर्ग। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। उदाहरण, जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर आदि। नंबर सात, वाइस उपसर्ग। वाइस का अर्थ होता है सहायक। उदाहरण, जैसे उप वाइसराय, वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल आदि। नंबर आठ, यक्ष उपसर्ग। यक्ष का अर्थ होता है मुख। उदाहरण, जैसे यक्ष प्रेस, यक्ष कमिश्नर, यक्ष स्टूडेंट, यक्ष प्रिंसिपल आदि।